हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आटो अकेडमी ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ एंगल्स से, एंगल्स को लेके। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाऊँगा लाइन वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ से मैं एक लाइन चूज़ करके यहाँ पे आके अपने माउस के साथ राइट क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि ये लाइन लगना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन मैं इसको एंगल दूँगा किस एंगल पर इसको लगना है। तो मैं इसको दे देता हूँ 0 डिग्री के एंगल पे। मैं सबसे पहले इसको ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि लेस देन 0 इंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसको ये जो लाइन लगेगी ये 0 डिग्री पे ही लगेगी सिर्फ। तो आप देख सकते हैं 0 डिग्री पे ही लगेगी। तो इसको फिर मैं लेंथ दे देता हूँ 3 इंटर। तो आप देख सकते हैं कि इसको लेंथ है इसकी 3। तो मैं अभी इसको इस तरफ एंगल दूंगा 60 का। तो मैं लेस देन 60, लेस देन 60 इंटर। तो आप देख सकते हैं कि ये 60 डिग्री पे लाइन लगेगी। और इसको मैं लेंथ दे देता हूँ इसको भी 3। इस वाली साइड की लेंथ है 3 है। तो फिर मुझे यहाँ से आना है नीचे नीचे की ओर इस पॉइंट पे। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। तो 60 यहाँ पे लग चुका है, तो यहाँ पे भी 60 होगा, फिर यहाँ पे भी 60 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से 60 का एंगल लगाना होगा मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो 360 माइनस 60 आ गया मेरा लेस देन 300 इंटर। तो आप देख सकते हैं कि 60 की एंगल यहाँ पे, यहाँ से एंगल 60 का बनेगा। तो आप देख सकते हैं, फिर मैं इसको लेंथ दे देता हूँ कि कितनी लेंथ इस वाली साइड की होनी चाहिए। तो मैं इसको दे देता हूँ 3 इंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके ये जुड़ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ हम एंगल्स को लेके लाइंस लगा सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने लगाई हैं। तो थैंक यू गाइस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।